उम्मीदें अच्छी होंगे। मैं रमेश भूषण आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ नई जॉब के बारे में, नई भर्ती जो आई है। साथियों, ये जो भर्ती है ये किसी प्रकार की कोई अप्रेंटिस वाली नहीं है, ना ही कोई टेम्पररी जॉब है, ना कोई संविदा बेस है। साथियों, ये परमानेंट जॉब है। जो जॉब है ये भारत प्रतिभूति मुद्रालय जो है नासिक रोड का है, जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड में है, वहाँ का ये पोस्ट आई हुई है। एडवर्टाइज नंबर जो आपके सामने दिया हुआ है 2022 का। साथियों, ये जो है अप्लीकेशन जो है ये टोटल ऑनलाइन बेस पे भरी जाएगी। इसके अलावा इसमें ऑफलाइन कोई इसी प्रकार का कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन ही करना है। इसकी ओपनिंग डेट जो है 8/10/2022 से 8/11/2022 तक है। ऑनलाइन पेमेंट भी है, ऑनलाइन फ़ीस भी इसमें काफ़ी लग रही है, 600 रुपये इसमें ऑनलाइन फ़ीस लग रही है। इसके बारे में आगे जानकारी भरेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें कि जो टेंटेटिव मंथ आप ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन की इसमें तारीख भी दी हुई है। साथियों, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आपके हाथ में इसकी जॉब मिल जाएगी, इसलिए आप मन लगा के करिए। साथियों, जूनियर टेक्नीशियन जो है इसकी 30 पोस्ट इसमें दी हुई है, इसके बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है इसमें। तो टेक्नीशियन की जो है 4, 2, 7, OBC की 7 है, EWS और अनरिजर्व की 14, टोटल 30 पोस्ट। इसी प्रकार की जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, जूनियर टेक्नीशियन सपोर्ट डिज़ाइन, जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप 4 पोस्ट, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की जो है 2 पोस्ट, और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 पोस्ट, और स्टोर की 2 पोस्ट। इसी तरह ये पोस्ट है साथियों। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वालिफिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए साथियों, एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें जो पोस्ट है ये फिटर और इलेक्ट्रॉनिक के लिए इसमें पोस्ट दी हुई है। फिटर लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट इसमें आई हुई है। तो साथियों, जैसे ही हम देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल जो है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फॉर्म NCVT SCVT भी चलेगा इसमें। प्रिंटिंग ट्रेड वाइज लूथो ऑफसेट मशीन, माइंडर लेटर प्रेस मशीन, माइंडर ऑफसेट प्रिंटिंग, तो जिन्होंने भी प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया है ITI में उनके लिए इसमें गोल्डन चांस दिया हुआ है। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में भी वही सर्टिफिकेट NCVT SCVT का प्रिंटिंग ट्रेड वाइज लूथो ऑफसेट मशीन का है। साथियों, जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट डिज़ाइन, साथियों इसमें फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन ग्रेवर प्लेट मेकर, यही लिथोग्राफिक ट्रेड का इसमें भी NCVT या SCVT जिसने सर्टिफिकेट किया हुआ है उसके लिए इसमें अच्छा चांस दिया हुआ है। जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप, साथियों ये जो पोस्ट है साथियों यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, ये जूनियर शॉप टेक्नीशियन मशीन शॉप, इसमें साथियों ये फीटर ट्रेड की पोस्ट दी है। चाहे वो NCVT से किया हो, SCVT से किया हो, उसके लिए इसमें गोल्डन चांस है। इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इसको ITI मांगी गई है, चाहे वो NCVT से किया हो या SCVT से। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स से इसकी ITI होनी चाहिए। स्टोर में भी साथियों, ये स्टोर में भी फिर यहाँ पे इसने फिटर ट्रेड मांगा हुआ है। तो साथियों कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी अच्छा चांस दिया हुआ है, आप इस भर्ती को भर सकते हैं फिटर ट्रेड की। फिर से यहाँ पे एक और CSD में देखिए साथियों, ये फिटर ट्रेड की भर्ती है। तो कहीं ना कहीं फिटर और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इसमें अच्छा गोल्डन चांस दिया हुआ है। तो ये 2-3 ट्रेड वालों के लिए इसमें अच्छी भर्ती हुई आई है। तो 8/10/2011 तक इसको भरना है। साथियों फीस के बारे में जब हम बात करते हैं तो फीस जो है 600 रुपये की इसमें फीस दी हुई है, और SC ST के लिए 200 रुपये का इसमें फीस दी गई है। तो ये फीस आपको भरना है साथियों। एग्ज़ाम के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इसने दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहेगा। 80 मार्क्स आपके थ्योरी से पूछे जाएंगे, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज और लोकल लॉजिकल रीजनिंग, 10 नंबर की और 10 नंबर के क्वेश्चन एप्टीट्यूड। तो कुल मिला के आपका फोकस जो है, कुल मिला के 80 नंबर पर आपका फोकस हो गया है साथियों। आपकी अगर ट्रेड में कमांड है तो आपका इसमें 80 नंबर में से आप अगर 60 नंबर की कमांड करते हो, 10-20 नंबर इधर से, तो आराम से आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है साथियों। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, कम से कम कट ऑफ की जो बात करते हैं साथियों, तो जनरल कैटेगरी के लिए 55%, OBC के लिए 50 और SC ST के लिए मात्र 45% में इनका सिलेक्शन इनके हाथ में होगा साथियों। और साथियों इसमें एक और अच्छी बात ये दी हुई है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है,
किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग इस फॉर्म में नहीं दी गई है, आपको बिंदास होके हर क्वेश्चन को अटेंड करना है साथियों। तो ये फॉर्म के साथ में आपको कॉल लेटर भी आपको अपलोड और डाउनलोड करने का एक निश्चित तारीख दी जाएगी। अप्लाई करने के बारे में इसमें पूरी बातें दी गई है। तो साथियों फिटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, इसके अलावा जो फीस में जिनको छूट चाहिए और तो फीस में छूट के लिए इसमें एक फॉर्म दिया गया है जो पिछड़े लोग हैं तो उसके अगर वो फॉर्म कोई भरना चाहे तो उसको भर के दे सकता है। जैसे कि इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो ये फॉर्म भी भर के दे सकता है आदमी इकोनॉमिकल वीकर, और इसको वैलिड फॉर एक साल के लिए फॉर्म रहता है। तो ये फॉर्म को भर के आप सिग्नेचर और सील ऑफ ऑफिस की इसमें आप भर के आपको देना है, तब आपका ये फॉर्म जो है फीस के मामले में कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा। तो साथियों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये पोस्ट काफ़ी अधिक मात्रा में दी हुई है, तो ये स्टोर CSD इसमें एक एक दो दो पोस्ट जो है फिटर इलेक्ट्रॉनिक की ये आपको भरना है, यहाँ से आपकी पोस्ट निकली हुई है। तो यही सब बातें थी भारत प्रतिभूति मुद्रालय नासिक रोड की, काफ़ी अच्छी इसमें पोस्ट निकली हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप ये भर्ती ज़रूर भरिए, मिस ना करेंगे। तो साथियों इसका फॉर्म फिलअप होने लग गया है, आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप करें और जानकारी सही सही भर के इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिलअप करें। नमस्कार साथियों, बाय बाय।